स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज। मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग फ्लेमिंगो बुक के प्रयोज का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग विच इज रिटन बाय अनीस जंग। अनीस जंग ने इस पूरी स्टोरी को, इस पूरे चैप्टर को दो भागों में बांटा है, क्योंकि इनका ये एक नॉवेल था लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग क्या है, एक तरह से जो मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दूं कि जो जैसे बच्चों का एक बचपन होता है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने बचपन को नहीं जी पाते और वो उनका बचपन उनसे दूर हो जाता है, खो जाता है, उसी को यहाँ पर आधार बनाकर उन्होंने लॉस्ट स्प्रिंग लिखा। यहाँ पर जो स्टोरी है ये दो भागों में है, पार्ट वन पार्ट टू। पार्ट वन में अलग कैरेक्टर है, पार्ट टू में अलग कैरेक्टर है। तो आज हम लोग पूरी हिंदी एक्सप्लेनेशन, पूरा हिंदी सारांश इसका जानेंगे पार्ट वन का। पार्ट वन में क्या है, क्या क्या चीजें हैं वो आपको जानना है, तो आपको ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं देखिए फिर से बता दूं कि अगर आप हिंदी एक्सप्लेनेशन जानते हैं, हिंदी समरी जानते हैं किसी भी लेसन की, तो आप उससे रिलेटेड उसका शॉर्ट आंसर, उसका लॉन्ग आंसर भी लिख सकते हैं बहुत आराम से, इन योर ओन वर्ड्स, आप खुद के शब्दों में। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के कि इसमें क्या है। देखिए पार्ट वन जो है उसका जो शीर्षक यानी जो उसका टाइटल है वो है कि समटाइम्स आई फाइंड रूपी इन गार्बेज। कभी कभी मैं या कभी कभार मैं गार्बेज यानी कूड़े करकट में कुछ पैसे पा जाता हूं। क्या था इसका ये जो चीजें हैं, लेकिन इसमें जो स्टोरी को ये इन्होंने मेन टाइटल दिया वो था कि स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इन्होंने ये इसका मेन शीर्षक दिया है, टाइटल ये है, शीर्षक इसका ये है। तो इसका जो टाइटल है कि स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड और इसका जो शीर्षक है वो है समटाइम्स आई फाइंड रूपी इन गार्बेज। रैग पिकर, आप यहाँ पर वर्ड लिखा देख रहे हैं, रैग पिकर क्या होता है, वो बच्चे जो कूड़े करकट से चीजों को ढूंढते हैं या उसमें छानबीन करते हो, जो कुछ मिल जाता है तो अपने जेब अपने झोले में रखकर चल देते हैं, फिर चाहे वो बेचने के लिए हो चाहे वो उनके खुद के यूज के लिए ही क्यों ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए हमारे इसमें मेन कैरेक्टर है साहिब। साहिब एक लड़का है जो 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो उसमें से अलग होकर बांग्लादेश बना। तो साहिब जो था वो ढाका का रहने वाला था जो इस समय बांग्लादेश की राजधानी है। इंडिया में इसलिए उसे आना पड़ा क्योंकि ढाका में भी या बांग्लादेश में भी उस समय वॉर चल रहे थे, वहां पर खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो और उसका परिवार कहां आ गया, इंडिया में आ गया। और कैसे आया, एज अ रिफ्यूजी यानी शरणार्थी बनकर। क्यों आया, क्योंकि जहां पर ढाका में उसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था वहां पर भारत में यानी इंडिया में उसको कुछ अनाज या खाने पीने के लिए चीजें मिल रही थी। एक दिन क्या हुआ, अनीस जंग जो इसके मेन राइटर है यानी ये सी है, लड़की है या औरत है, ये लेडी है, तो एक दिन ये टहल रही थी, ऐसे कह सकते हैं राइटर हमारा टहल रहा था, तो वो साहिब नाम के लड़के को ढूंढते हुए कुछ कूड़े करकट कबाड़ में देखता है। जब वो देखता है तो राइटर हमारा पूछता है या पूछती है कि व्हाई डू यू डू दिस, तुम ये काम क्यों करते हो। तभी तुरंत राइटर ने जब अनीस से पूछा तो साहिब से पूछा तो साहिब ने कहा आई हैव नथिंग टू डू, मेरे पास कुछ भी करने के लिए नहीं है और मैं इसलिए इस काम को करता हूं। तो राइटर ने कहा कि क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो या क्या तुम स्कूल में नहीं पढ़ते हो। तभी साहिब ने कहा कि नहीं, मैं स्कूल में नहीं पढ़ता क्योंकि मेरे आसपास में, मेरे एरिया में, मेरे टाउन में कोई भी स्कूल नहीं है जहां पढ़ाई होती। जैसे वो सुनते हैं तो उन्हें बड़ा जो है वो होता है राइटर को, और फिर राइटर कहते हैं कि अच्छा मैं अगर अपना स्कूल खोल दूं, मैं अपना स्कूल खोलूं तो क्या तुम पढ़ने आओगे। वो हंसने लगता है, बहुत अच्छी मुस्कान देता है, स्माइल देता है कि बिल्कुल पढ़ने आऊंगा। लेकिन जब वो उसके कपड़ों की ओर देखते हैं तो कपड़े बड़े बड़े जो है फेडेड होते हैं, डिसकलर होते हैं, पैर जो है उसके नंगे होते हैं, और भी बच्चे वहां पर खड़े होते हैं, और इस वजह से वो राइटर उन सभी बच्चों को देखकर क्या बोलते हैं, बेयर फुट आर्मी। बेयर फुट मीन्स क्या होता है, नंगे पैर। तो ठीक है, बेयर फुट आर्मी, वो क्या कहते हैं, बेयर फुट आर्मी उन लोगों का नाम देते हैं। उसके बाद वो जब वो कहते हैं कि मैं स्कूल खोलूं तो तुम आओगे, तो कहता है हाँ, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज लग जाती है कि मैंने इससे कोई ऐसी प्रॉमिस कर ली, हॉलो प्रॉमिस कर ली, ऐसा वादा किया है जो मैं शायद पूरा ना कर सकूं। इस वजह से वो थोड़ा सा दुखी होते हैं, लेकिन वो उस दिन वहां से चले जाते हैं। अगले दिन फिर वो जब साहिब उनसे कुछ समय बाद जब साहिब उनसे मिलता है तो वो जाकर साहिब जो है अनीस जंग से पूछता है यानी राइटर से पूछता है कि क्या आपने अपना स्कूल खोल दिया है, क्या मैं उसमें अपना एडमिशन ले लूं। तो फिर ये कहते हैं अनीस जंग की अरे इतना जल्दी स्कूल कैसे खुल जाएगा, उसमें समय लगता है। और तभी बातों बातों में ही अनीस जंग जो है वो
साहिब से उसका नाम पूछते कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहता है कि मेरा नाम साहिब, वो कहता है मेरा नाम साहिब ए आलम है। साहिब ए आलम क्या होता है? द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, इसका जो एक्चुअल नेम है द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी इस संसार का, इस पृथ्वी का राजा। जैसे हर नाम की अपनी हिंदी होती है, हर नाम की अपनी मीनिंग होती है, उसी तरह से साहिब ए आलम की जो मतलब जो आयरोनिकल जो नाम था, आयरोनिकल क्या होता है या आयरनी क्या होता है कि भाई कुछ और उसका मतलब कुछ और होता है, यानी वो बच्चा जो एक कबाड़ बिन रहा है उसका नाम साहिब ए आलम है, होना उसको चाहिए था लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स यानी इस दुनिया, इस संसार का राजा होना चाहिए था, लेकिन आज की डेट में वो कर क्या रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ कबाड़ बिन रहा है। और जब उन्होंने इस चीज को देखा, उसका नाम जाना, तो वो बहुत उन्हें अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन वो कुछ कर ना पाए, उन्होंने उसको बेयरफुट आर्मी का नाम दिया। ये सभी पॉइंट है, आपको नोट कर लेना चाहिए, बेयरफुट आर्मी का नाम दिया। और क्योंकि उन्होंने एक फेक प्रॉमिस किया था उस बच्चे से कि एक ऐसा खोखला वादा किया जो वो पूरा नहीं हो सकता था कि हाँ मैं अपने स्कूल खोलूंगा और वो बच्चा मेरे पास पढ़ने आएगा। तो चलिए इसके आगे की भी स्टोरी शुरू करते हैं। जब उसको वो देखा करते थे कि वो सुबह सुबह आ जाता था, दोपहर में चला जाया करता था, तो यानी उसका रूटीन था कि वो सुबह आता था अपने दोस्तों के साथ नंगे पैर बेयरफुट आर्मी के साथ, और आकर ढूंढकर दोपहर तक में वो वापस चला जाता था, यानी कूड़ा कबाड़ बनकर वो चला जाता था। एक दिन फिर से जो हमारा राइटर है वो साहिब से मिलता है। साहिब को जब वो देखते तो कहते, अच्छा तुम ये बताओ तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, यानी तुम स्लीपर क्यों नहीं पहनते हो, चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। तो वो उसने कहा कि मेरे पास तो चप्पल है ही नहीं, मेरे पास मेरी माँ ने खरीद कर मुझे दिए नहीं, तो मैं चप्पल कैसे पहनूं। उसके साथ के कुछ दोस्त थे, उन्होंने कहा कि अगर इसको चप्पल दिया भी जाएगा तो ये पहनेगा नहीं, उन्होंने थोड़ा सा हंसी मजाक किया। तभी यहाँ पर अनीस जंग जो है, इन्हें अपने 30 साल पहले की स्टोरी याद आती है कि 30 साल पहले ये एक मंदिर पर गए, मंदिर में जो पुजारी था उसका एक लड़का था, लड़के के पास चप्पल नहीं थी, लेकिन वो बार बार अपने पुजारी वाले पिता जिसे, यानी वो अपने पिता से बार बार चप्पल लेने लाने के लिए कह रहा था, लेकिन वो उस समय नहीं दिला पाए क्योंकि उस समय वो भी मंदिर से उतना ज्यादा उनको कुछ नहीं मिलता था। लेकिन 30 साल बाद जब वो फिर वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि मंदिर का तो एकदम ढांचा बदल गया था। पहले मंदिर बहुत ज्यादा हरा भरा होता था, लोग आते जाते थे, बैठते थे, लेकिन अब वहां पर कोई नहीं आता जाता। वहां पर सिनेरियो दिखाते हैं, यानी पूरा मंदिर की कंडीशन दिखाते हैं कि अब वहां पर मंदिर भी फेडेड हो गया है, डिसकलर हो गया है, कुछ कुर्सियां रखी हुई हैं। और फिर वो देखते हैं कि वही बच्चा जो 30 साल पहले अपने पुजारी बाप से चप्पल मांगता था, आज वो स्कूल ड्रेस में, ग्रे कलर की ड्रेस थी, उस ड्रेस में आया है, उसके पैरों में जूते हैं। तो उन्हें लगता है कि ऐसा नहीं है कि कभी ना कभी बदलाव नहीं होता, बिल्कुल बदलाव होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि डिग्री ऑफ डेवलपमेंट भारत में हमेशा रहा है, यानी भारत में बदलाव हमेशा हुआ है। फिर उसके बाद एक और दिन, कुछ दिन बाद वो फिर से किससे मिलते हैं, साहिब आलम से मिलते हैं, यानी साहिब से मिलते हैं, और साहिब से पूछते कि तुम रहते कहाँ हो, तो वो कहता है कि मैं दिल्ली के सीमापुरी इलाके में रहता हूँ। सीमापुरी इलाका दिल्ली से काफी दूर है, और इस वजह से भी और भी चीजों से दूर है, क्योंकि दिल्ली हमारी एक राजधानी है, वहां पर पूरी तरह से डेवलप्ड है सारी चीजें, रोजगार है, सारी चीजें, दुकानें हैं, लोग आते हैं जाते हैं, बढ़िया रॉयल रहते हैं, लेकिन सीमापुरी जो इलाका है वो बहुत दूरस्थ एरिया है, जो दिल्ली के बच्चे होंगे वो जान रहे हैं, जो बहुत दूर का एरिया है, वहां पर लाइट पानी की सुविधा नहीं है, यहाँ तक कि सीवरेज की सुविधा भी नहीं है, वहां पर लोगों को कोई पॉलिटिशियन पार्टी या कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी जाता नहीं है कि जाकर उनकी देखभाल करे, उन्हें कभी कोई सुविधा नहीं मिलती है। उन्हें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा राशन कार्ड दे दिया गया था, क्योंकि वही राशन कार्ड उनके जिले बहुत था, क्योंकि एक जहां पर ढाका में उन्हें अनाज तक नहीं मिलता है, वहां पर इन्हें राशन कार्ड से इनकी पहचान तो है, राशन कार्ड से इनकी सरकार में नाम तो है कि हाँ मुझे भी राशन कार्ड है, मैं भी वोट दे सकता हूँ, या मैं अपने लिए भोजन या अपने अनाज का प्रबंध कर सकता हूँ। तभी वो देखते हैं वहां पर सीमापुरी इलाके में, वो फिर से जाते भी हैं वहां पर, देखते हैं तो वो देखते हैं कि साहिब सामने से आ रहा होता है। साहिब के कंधे पर एक टी का कनस्तर होता है, यानी वो एक दुकान में काम करने लगा है 800 रुपए पर मंथ के हिसाब से। लेकिन जब वो उसके कंधे पर जो टी का कनस्तर है वो देखते हैं तो उन्हें बड़ा दुख होता है। वो कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो, तो कहता है कि मैं अब यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ, चाइल्ड लेबर की तरफ एक तरह से ढकेला गया उसको, क्योंकि चाइल्ड लेबर अपने यहाँ पर बैन है,
खासकर जैसे आप देखते होंगे फिरोजाबाद में जहां चूड़ियां बनती है वहां पर पूरी तरह से बच्चों के लिए काम करने के लिए मना है। कोल माइन में जहां पर कोयले की खदान है वहां पर बच्चों को काम करने के लिए मना है, और क्योंकि वो अपने आप को भी खुद ना खुद कहीं ना कहीं उस चाइल्ड लेबर की ओर ढकेल रहा था, और जब उन्होंने देखा तो उसे उन्हें दुख हुआ और तभी उन्होंने समझ लिया कि ऐसी ही स्थिति में बच्चों का एक क्या होता है, स्टोलन चाइल्डहुड हो जाता है, उनका बचपन उनसे चुरा लिया जाता है, उनका बचपन उनसे दूर हो जाता है। तो ये थी हमारे फर्स्ट पार्ट की पूरी स्टोरी, ये थी हमारे फर्स्ट पार्ट की पूरी स्टोरी। इसके अलावा एक कंडीशन, एक चीज और थी कि एक बार जो है साहिब एक जहां ग्रीन कोर्ट जानते होंगे जहां पर टेनिस खेला जाता है, वो उसके दरवाजे पर खड़ा होता है और वो एक जूते पहने होता है, जूते में हल्का सा छेद था, किसी अमीर बच्चे ने दे दिया होगा क्योंकि अमीरों के लिए अगर जूते में छेद क्या, जूते में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो वो उसको उतार कर फेंक देते हैं, किसी बच्चे ने दिया होगा क्योंकि उसको टेनिस बहुत पसंद था साहिब को। तो वो कहा, उसने बताया कि मेरा यहाँ पर जो नौकर है, यहाँ पर वॉचमैन है, उससे मेरी सिटिंग है, वो मुझे वहां पर भेज दिया करता है और मैं जाकर खेल लिया करता हूँ, इतने में ही मैं खुश रहता हूँ। तो ये थी कई सारी स्टोरीज को मिलाकर यहाँ पर इतनी चीजें बन रही थी, और इसका जो पार्ट टू है वो मुकेश नाम के एक लड़के से रिलेटेड है, और उसका जो शीर्षक है, इसका जो टाइटल है वो है आई वॉन्ट टू बाई अ कार। अब यहाँ पर पार्ट टू मैं कल लेके आऊंगा, पार्ट वन इतना था, आपको पसंद आया होगा आई होप एंड आई विश, प्लीज शेयर। देखो कितनी गर्मी लग रही है लेकिन प्लीज शेयर भाई, ठीक है, थैंक यू।